नमस्कार, मैं हूं अदिवा कुरेशी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 पेश करना शुरू कर दिया है। जैसे कि उम्मीद थी, बजट का पहला हिस्सा किसान, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण इलाकों के लिए था। अब तक के मुख्य विशेषताएं कृषि विकास और गरीबी रही है। जेटली ने कहा कि GST को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। 2018 तक हर गरीब को घर देने का आश्वासन दिया गया। ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया गया, जिसमें 4 करोड़ घरों में सौभाग्य बिजली योजना से कनेक्शन देने का भी ऐलान किया गया। ये बजट कृषियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जेटली ने कहा कि 2020 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। किसानों की मदद के लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस उनके उत्पादन का 1.5 गुना होगा। इसके अलावा सरकार ने पूरे देश में 10 करोड़ परिवारों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक मेडिकल बीमा कवर की घोषणा की है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में 6 करोड़ शौचालय बना दिए गए हैं और अगले 2 वर्षों में 2 करोड़ और शौचालय बनाए जाएंगे। जेटली ने पशुपालन किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए के कृषि बाजार निधि की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। ये सुधार स्पष्ट रूप से किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। बजट की और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।